दोस्तों, अगर आप योनो SBI एप्लीकेशन से 6 मंथ का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे आप 6 मंथ का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं योनो SBI एप्लीकेशन से, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले योनो SBI एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है यूजर पासवर्ड से या फिर MPIN से। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ये अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैलेंस वगैरह शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको शो होंगे, बीच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर। अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर नीचे देखिए सर्च के बगल में ये फ़िल्टर का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मंथ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप जितने महीने का निकालना चाहते हैं, यहाँ पर 6 महीने तक यहाँ पे दिया गया है। बाई डेट निकालना चाहते हैं तो बाई डेट आप निकाल सकते हैं। तो 6 मंथ यहाँ पे जो लास्ट अभी से लास्ट 6 मंथ होंगे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 मंथ सिलेक्ट करेंगे, 6 महीने का स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे शो हो जाता है। अब इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 6 मंथ लिखा है। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के वही 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे या फिर ईमेल पर मंगा लेंगे। काफ़ी लोगों की ईमेल रजिस्टर नहीं होती है तो आप इसी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। तो इस पर डाउनलोड वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद तुरंत इस तरह का मैसेज आएगा, PDF डाउनलोड सक्सेसफुली। और यहाँ पे ये पासवर्ड ओपन करने के लिए बोल रहा है, यानी कि PDF में एक पासवर्ड भी लगा होगा, वो पासवर्ड आप कैसे ओपन करेंगे वो तरीका भी यहाँ पे बताया गया है। इसलिए जिस व्यक्ति के नाम खाता है उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर डला है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे किसी व्यक्ति की 2/5/1991 है तो उसकी यहाँ पर जो पासवर्ड बनेगा 02, उसके बाद 5वां महीना है तो 05। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता 12/11 तो यहाँ पे 0 नहीं लगता, उसके बाद यहाँ पे @ लगेगा और उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर उसमें डला होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट, देखिए यहाँ पर यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। उसका 4 डिजिट का मोबाइल नंबर आप डालेंगे @ लगा के तो 8 यहाँ पे डिजिट पूरे हो जाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट आगे 4 डिजिट पीछे, बीच में @ इस तरह का पासवर्ड बनेगा। और यहाँ पर फिर अब देखिए यहाँ पर तो ओके आपको कर देना। अब ओके करने के बाद PDF यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, वो आपको फाइल मैनेजर में दिखाई देगी। तो फाइल मैनेजर में यहाँ से चलते हैं तो आपको मोबाइल में कहीं ना कहीं फाइल मैनेजर मिलेगा। ये देखिए फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ आ रहा है तो यहाँ पर स्किप वगैरह मैं कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर PDF शो नहीं हो रही है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये PDF आ गई है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको किसी भी PDF एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं WPSC ऑफिस ये एप्लीकेशन ऑलरेडी डाला था, वो इसने यहाँ से ओपन किया है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड बना लेता हूँ, डालने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट ओपन हो चुका। अब दोस्तों इसमें कभी कभी दिक्कत ये आती कि इसमें केवल 150 ट्रांजेक्शन जो है ये निकालता है, यानी कि मेल पर आपके जाते हैं और यहाँ पर जब आप 6 मंथ सेलेक्ट करते हैं या ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो कभी कभी 1 महीने का ही ये भेज देता है। और कभी कभी दिक्कत इसमें होती है अगर आपका पूरा ट्रांजेक्शन नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है जो 100% वर्क करेगा और जिसको मैं व्हाट्सएप का तरीका जिसमें मैंने बताया है उसमें आपकी ईमेल रजिस्टर होना चाहिए। तो ये वाला वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप बहुत आसानी से जो है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर है उससे आप अपना 6 मंथ का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, और इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 3 मंथ 1 मंथ हर एक तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी आपको कोई डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।